नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। खबरों की शुरुआत करेंगे हरदोई में जिला स्तरीय निवेश कुंभ का आयोजन, जिसमें 181 निवेशकों द्वारा 6662 करोड़ का निवेश प्रस्ताव दिया गया है। बता दें आपको कि रसखान प्रेक्षा गृह में इन्वेस्टर समिट का ही लाइव कार्यक्रम दिखाया गया और इस मौके पर ही भाजपा विधायक श्याम प्रकाश ने कहा कि उत्तर प्रदेश में राज्य स्तरीय निवेश कुंभ का आयोजन हुआ है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरुआत की है और योगी की अगुवाई में उत्तर प्रदेश में पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स आए हैं और बहुत बड़ा निवेश उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि इसी क्रम में हरदोई में भी आयोजन था और हरदोई में भी बड़ा निवेश हुआ है और निश्चित ही अब उत्तर प्रदेश और हरदोई में तमाम उद्योग धंधे स्थापित होंगे और लाखों लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। नौजवानों को जो समस्या थी रोजगार की, वो खत्म हो गई है और युवाओं को बहुत रोजगार प्राप्त होगा और इन उद्योग धंधों से, और उसमें नौजवानों को ही वरीयता दी जा रही है, जो सबसे ज्यादा चांस नौजवानों के लिए बन रहा है। आज लखनऊ में आयोजित उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के परिप्रेक्ष्य में आज हरदोई में भी जनपद स्तरीय निवेश कुंभ का आयोजन किया गया। इस निवेश कुंभ में हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, उद्यमीगण, हमारे सभी निवेशक और अन्य विभिन्न क्षेत्रों के लोग उपस्थित हुए। सर्वप्रथम मैं उन सभी के प्रति आभार प्रकट करता हूं। निवेश कुंभ में हमने आज तक जितना हमारे जनपद हरदोई में निवेशकों ने, उद्यमियों ने, निर्यातकों ने विश्वास जताया है, उनके द्वारा जो निवेश का प्रस्ताव दिया गया, जो MOUs साइन हुए, उन सब के बारे में मैंने लोगों के समक्ष रखा। मैं बताना चाहूँगा कि अभी तक हमारे जनपद में 181 निवेशकों द्वारा कुल 6662 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव दिया जा चुका है। उम्मीद है कि ये संख्या और आगे बढ़ेगी और हम अपने सभी उद्यमियों, निवेशकों और निर्यातकों से अपील करते हैं कि हम अपने जनपद में उनके लिए स्वागत के लिए तैयार हैं। चले रुक करते अगली खबर की ओर। फरुखाबाद में शादी समारोह में विवाह होने पर भाई ने भाई को गोली मार दी है। दरअसल घर में शादी समारोह का कार्यक्रम चल रहा था और घर में भाई की बेटी की बारात आई थी और किसी बात को लेकर दोनों भाइयों में विवाद हो गया। विवाद के चलते छोटे भाई ने बड़े भाई को गोली मार दी है, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं गोली लग चलते से परिजनों में कोहराम मच गया है। घायल अवस्था में परिजनों ने CHC अस्पताल में भर्ती कराया है घायल को और हालत जो है गंभीर होने पर डॉक्टर ने जिला अस्पताल लोहिया के लिए रेफर कर दिया है। पूरा मामला आपको बता दें, फरुखाबाद के कंपिल थाना क्षेत्र के गाँव सूरजपुर का बताया जा रहा है। जालौन में लगातार ऑपरेशन पाताल जारी है और पिछले एक हफ्ते में दो अलग अलग स्थानों पर मुठभेड़ हुई है, जिसमें आपको बता दें कि जिस तरह से अपराधियों पर लगाम कसी जा रही है, उसी का परिणाम है कि मुठभेड़ की दहशत के बाद ही 25,000 के इनाम या बदमाशों को न्यायालय में सरेंडर कर दिया था और कल ही अवैध असलों की फैक्ट्री पर छापा मारकर असलों की जरीखे के साथ दो अंत जनपदीय गिरोह के ही सदस्यों को गिरफ्तार किया गया था। और बताते चले आपको कि फिर से दो 25,000 रुपए के इनामिया बदमाश, जो कि गैंगस्टर एक्ट में ही वांछित चल रहे थे, मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर गिरफ्तार किया गया। साथियों, जैसे आप लोग अवगत हैं कि जालौन पुलिस ने इन दिनों दुर्दांत अपराधी जो फरार चल रहे हैं, पुलिस और कानून की गिरफ्त से बचने के लिए बिलों में छुपे हुए, उनको गिरफ्तार करने के लिए एक अभियान चला रखा, एक ऑपरेशन जिसका नाम है ऑपरेशन पाताल। इन दुर्दांत अपराधियों पर जालौन पुलिस की ओर से गिरफ्तारी करने पर 25,000 का इनाम भी घोषित किया जा चुका है। इसी ऑपरेशन पाताल के अंतर्गत आज SHO कुठौन व SWAT जालौन की टीम ने आगरा में BJP की कार्य समिति की आज बैठक आयोजित की गई, जिसमें महानगर के कार्यकर्ता मौजूद रहे और इस बैठक में विचार मूल उद्देश्य पर चर्चा हुई है। G20 को लेकर कल सभी वार्डों में स्वच्छता का अभियान भी कराया जाएगा। निकाय और डाटा आयोजन का सरल ऐप डाउनलोड कार्यक्रम है, जो लोकसभा चुनाव को लेकर किया गया है और इस मौके पर तमाम जनप्रतिनिधि इस बैठक में शामिल हुए। बिल्कुल, दरअसल ये एक नियम के अनुसार है कि जैसे अभी प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई थी, और क्योंकि मैं प्रदेश कार्य समिति सदस्य भी हूँ, तो मैं भी प्रदेश कार्य समिति की बैठक करके आई हूँ।
उसके बाद फिर क्षेत्र की होती है, उसके बाद जिला और महानगर की होती है। तो आज महानगर की प्रदेश कार्य समिति, और जैसा हम सब जानते हैं कि G20 की जो दो हमारे दो दिन का इवेंट है वो बहुत ही एक भव्य आयोजन होने जा रहा है, और ये हमारे लिए सबके लिए एक बहुत ही गौरवशाली बात है कि G20 के जो अध्यक्षता है वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। तो इसके लिए भी मैं उनका धन्यवाद दूंगी, और ये भी कहूंगी कि भाई ये एक बहुत ही सुनहरा अवसर हम लोगों को मिला है। तो यहाँ जो आज कार्य समिति है, तो कार्य समिति में आगामी चुनाव है, जैसा भी निकाय चुनाव भी आने वाले हैं, तो निकाय चुनाव के बारे में या संगठन की आगे क्या प्रक्रिया है उसके बारे में यहाँ सारे डिस्कशन होते हैं, और सारी बातें जो नीचे तक उतारी जाती है, इसके बाद फिर मंडल की होती है, फिर उसी लेवल पे फिर बूथ तक ये हमारी सारी कार्य समिति होती है। तो यही सारी चीज, धन्यवाद। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी आगरा महानगर की कार्य समिति है, अभी उसका समापन सत्र होकर चुका है, और प्रदेश कार्य समिति के बाद महानगर जिलों की कार्य समिति होती है। इसमें हमारे जो विचार और उसके बाद मूल उद्देश्य और आगामी कार्यक्रम और योजना और वर्तमान परिदृश्य, इन सब चीज़ों को लेकर चर्चा हुई। और आगामी कल G20 के डेलीगेट्स भी हमारे आ रहे हैं, इसके लिए कल सभी वार्डों में हमने स्वच्छता अभियान रखा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि पर समर्पण निधि और समर्पण दिवस के रूप में हम लोग सभी कार्यकर्ता इसको प्रत्येक बूथ पे भी बनाएंगे, और इस प्रकार आगे निकाय और डाटा संयोजक का जो सरल ऐप डाउनलोड करने का जो कार्यक्रम लोकसभा चुनाव की दृष्टि से चल रहा है उस पर भी चर्चा होकर उसको भी नीचे तक उतारने की पूरी योजना बनाई गई है। इस तरीके से ये पूरी कार्य समिति में हमारे जो वरिष्ठ नेता, हमारे जनप्रतिनिधि सबने हमें मार्गदर्शन दिया, और उसी बातों को लेकर हमने आगे काम की योजना उतार कर और नीचे तक उतारने का योजना बनाई। चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। आगरा के थाना फतेहपुर सिकरी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, और पुलिस ने 24 घंटे के अंदर हत्या का खुलासा किया है। आपको बताते चले कि हत्या आरोपी ने युवक की हत्या कर शव को जला दिया था, और युवक की रुपए के लेन देन को लेकर हत्या हुई थी। दो हत्या आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, और साथ ही आला कत्ल और मोबाइल भी बरामद कर लिया है। मामले की जानकारी DCP वेस्ट सोनम कपूर, बताया जा रहा है कि सोनम कुमार ने दी है, और ACP राजीव सिरोही के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। देखिए, कल दिनांक 9/1/2023 को लगभग 2 बजे एक अज्ञात डेड बॉडी मिलन कॉलेज थाना करावली के पास मिलने की सूचना मिली, जो कि जलीय अवस्था में थी। इस क्रम में पुलिस द्वारा उसकी शिनाख्त कराई गई, तो व्यक्ति जो मृतक था वो लव नाम से उसकी शिनाख्त हुई। उनके पिता से संपर्क किया गया, उनसे बात की गई, तो उन्होंने बताया कि सुबह ये 8:30 बजे के आसपास ये अपने कॉलेज के लिए निकला था, रघुनाथ इंटर कॉलेज, जबकि कॉलेज कल बंद था। यहीं से जो है शक की शुरुआत हुई थी। इसके अतिरिक्त उनको एक फोन कॉल आया था दिन में 11:30 के आसपास, इसमें ये कहा गया था कि अपने आपके बेटे के खिलाफ जो फिरौती है उसमें 10 लाख रुपए की फिरौती आप लेके 3 बरस हमारे पास आए। इस क्रम में पुलिस ने जब तफ्तीश शुरू की तो इसमें 2 अभियुक्तों को हमने आज पकड़ा है। इसमें एक है आपके राजेश पुत्र ओमपाल निवासी ग्राम बसेरी सिकंदर, दूसरे मोंटी उर्फ आशु पुत्र हिरेंद्र निवासी ग्राम बसेरी सिकंदर के हैं। ये एनुकबी की योजना पर पकड़े गए हैं। ये कार से बसेरी सिकंदर से गाँव सुपहरा होते हुए भरतपुर जा रहे थे। सहारनपुर पुलिस ने सराफा व्यापारी और लोगों को सस्ते दामों में सोना दिलाकर रकम ऐंठने के 3 ठगों को गिरफ्तार किया है। प्रेस वार्ता में SP City अभिमन्यु मांगलिक ने बताया है कि थाना जनकपुरी पुलिस ने सराफा व्यापारी और लोगों को सस्ते दामों में सोना दिलाकर रकम ऐंठने के 3 आरोपी नीरज शर्मा और सोनू उर्फ ममसाद और चंद्रपाल वर्मा को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया है कि आरोपी के कब्जे से सोने का 162 ग्राम का नकली बिस्कुट, असली सोना 13.5 ग्राम और 5 मोबाइल और 1200 रुपए बरामद किए। जी हाँ, पिछले कुछ दिनों में कोई कंप्लेनेंट हमारे पास आए थे, जिन्होंने बताया था कि यहाँ से 1.5-2 साल से एक गैंग एक्टिव है जो लोगों को एक प्रलोभन देता है कि BHEL हरिद्वार में उनका कोई रिश्तेदार है या कोई जानने वाला है जो वहां पे काम करता है, जो वहां से इनको बहुत सस्ते में गोल्ड या सिल्वर प्रोवाइड करा सकता है। उसी प्रलोभन में दो कंप्लेंट हमारे सामने आए, उन्होंने बताया कि इसी प्रलोभन में वो नीरज शर्मा जो इसमें मेन अक्यूज्ड है, उसके प्रलोभन में आके वो जाते थे वहां पर, और वहां जाने के बाद वो एक और आदमी से मिलते थे जो अपने आप को BHEL में मैनेजर बताता था, और जब भी जैसे ही पैसे उसको दे दिया करते थे वहां पे कथित रूप से वहां पे विजिलेंस की टीम आती थी, छापा पड़ता था, और वहां से सब हबड़ दबड़ में सब लोग चले जाते थे। इसी हबड़ दबड़ में उनके पैसे भी चले जाते थे। जब वो पैसों की पूछताछ करते थे नीरज से तो वो बताता था कि विजिलेंस की टीम को उन्होंने रिश्वत दे दी है, उसमें उनका पूरा पैसा चला गया है।
चले रुक करते अगली खबर की ओर। बांदा में अनशन स्थल पर बैठे पीड़ित परिवार को जबरन नरेनी पुलिस उठा ले गई है। आरोप है कि दिव्यांग पिता और पुत्र को पुलिस ले गई है। वहीं दिव्यांग की पत्नी का अनशन स्थल पर रो रो कर बुरा हाल है। आरोप है कि एक हफ्ते पूर्व विधायिका ओम मणि वर्मा के गुर्गो ने पीड़ितों के साथ मारपीट की थी और न्याय के लिए पीड़ित परिवार अनशन पर बैठा था। वहीं आरोप ये भी है कि पीड़ितों के ऊपर उल्टा फर्जी मुकदमा लगाया गया था। मामला आपको बता दें कि नरेनी थाना अंतर्गत जवाहर नगर मोहल्ले का बताया जा रहा है। झांसी के मऊरानीपुर मोहल्ला नई बस्ती में मौजूद झारखंडी मंडली द्वारा शिव मंदिर पर पीतल के बड़े बड़े घंटे लगे हुए थे और कल रात अज्ञात चोर मंदिर में लगे घंटे की चोरी करने गए और मामले को लेकर मंदिर के सेवक वीरू ने बताया है कि उक्त मंदिर में वर्षा से घंटा लगाया था और यह भी बताया जा रहा है कि सालों से यह घंटा वहां पर लगा हुआ था। रोजाना श्रद्धालु दर्शन करने को आते थे। आपको बताते चले कि उक्त मंदिर की शिव जी की मूर्ति अज्ञात लोगों द्वारा खंडित की गई थी और तब भी मूर्ति खंडित करने वाले आज तक नहीं पकड़े गए। फिर मंदिर से घंटा चोरी करने की खबर पर क्षेत्र में तरह तरह की चर्चा बनी हुई है। मामले की सूचना पुलिस को अज्ञात चोरों के विरुद्ध दी गई है। पत्नी कैलाश अहिरवार का लगभग 3 साल पूर्व कैलाश के साथ विवाह हुआ था और कैलाश रेखा का दूसरा पति था और रेखा के पहले से ही 3 बच्चे थे। रेखा का अपने पति और परिवार के साथ अपनी हिस्सेदारी को लेकर वाद विवाद होता रहता था जिसके चलते आए दिन घर में झगड़ा होता था। तो वहीं पति ने झगड़े के दौरान कहा कि आज हमेशा के लिए झगड़े को खत्म कर देंगे और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ रेखा की जमकर मारपीट की और साथ ही उसे आग के हवाले कर दिया। इस पूरी घटना में रेखा के बच्चों के द्वारा अपनी मां को बचाने का प्रयास किया गया तो वहीं परिवार के लोगों के द्वारा बच्चों के साथ भी मारपीट की गई है। आग लगने के कारण रेखा की घटना स्थल पर ही मौत हो गई तो वहीं मामले की जानकारी कोतवाली पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। मृतका रेखा की बहन ने कोतवाली पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर रेखा के पति और ससुराल वालों पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। जल गई है, क्या है पूरा? ये थाना मवानीपुर के अंतर्गत आने वाले गांव नवाती घटना है जहाँ पर एक महिला जिसकी उम्र लगभग 36 साल की आग लग के मृत्यु हो गई। यह सूचना पहले 112 प्यारवी को दी गई। प्यारवी मौके पहुंची। प्यारवी के बाद थाने पुलिस SHO बोले मवानीपुर में फोर्स के वहाँ पहुँचे और पहुँचने के बाद मृत महिला का पंचायतनामा पोस्टमार्टम कार्रवाई कराई गई। इसमें अभी तहरीर प्राप्त नहीं हुई है, जैसे तहरीर प्राप्त हो गई समुचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कार्रवाई की जाएगी। झांसी में राष्ट्र भक्त संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष अंचल हरियाणा पत्र के माध्यम से ही अपर नगर आयुक्त पर लगाए गंभीर आरोप। उन्होंने कहा कि अपर नगर आयुक्त के पास जो भू माफियाओं की लिस्ट है जिन्होंने नगर निगम की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है उनको तो वो कब्जा मुक्त नहीं करा रहे हैं बल्कि धार्मिक स्थलों पर जाकर वहां से लोगों से कह रहे हैं कि कब्जा हटाइए। अंचल ने चेतावनी देते हुए कहा है कि किसी भी सूरत में धार्मिक स्थलों को नहीं तोड़ने दिया जाएगा, चाहे इसके लिए हमें लखनऊ ताकि क्यों ना जाना पड़े। और इसके साथ ही इस मौके पर उनके साथ राष्ट्रभक्त संगठन के दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज राष्ट्रभक्त संगठन ने अपर नगर आयुक्त नगर निगम के द्वारा जो लगातार प्रयास किया जा रहा है धार्मिक स्थलों को तोड़ने का लक्ष्मीताल के ऊपर, वो धार्मिक स्थल आज के बने हुए नहीं है। बापू का टापू है, उसके अंदर जो मंदिर है उस मंदिर के अंदर भोलेनाथ की प्रतिमा कम से कम 100 वर्ष पुरानी स्थापित है, तो ऐसे मंदिरों को तोड़ने का प्रयास क्यों किया जा रहा है? जबकि नगर निगम ने जो स्वयं की 14 भू माफियाओं की लिस्ट तैयार की है पिछले 4 साल से, उसके ऊपर कोई एक्शन अपर नगर आयुक्त नहीं ले रहे हैं। उन भू माफियाओं को लाभ देने के लिए उनने डायवर्जन धार्मिक स्थलों की तरफ कर दिया है कि लोग आक्रोशित हों और उनसे अपना जो है भ्रष्टाचार करके उनसे जो कुछ प्राप्त करना है वो प्राप्त कर लिया है। तो लाभ लेने के लिए, भू माफियाओं को लाभ देने के लिए उन पर कार्रवाई करना नहीं चाहते हैं और धार्मिक स्थलों को तोड़ करके झांसी का माहौल खराब करना चाहते हैं जो शांति प्रिय झांसी है। ऐसे अपर नगर आयुक्त के ऊपर कार्रवाई हो, हमने यह मांग की हुई है। जो आयुक्त झांसी मंडल झांसी हैं उनको एक पत्र दिया है और इसको लेकर के हम लोग लखनऊ भी जाएंगे। जब उसमें हाईकोर्ट का स्टे है उसके अंदर जो याचिकाकर्ता NGT के अंदर गए हैं उन्होंने लिख के दे दिया है NGT को, 17 तारीख उसमें लगी हुई है। बार बार वहाँ पर क्यों जाते हैं? हमारा कहना ये NGT को ये आदेश उसमें 17 तारीख के बाद पारित कर दे, उसके बाद बैठ करके बात करें।
चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव आज रायबरेली पहुंचे थे और यहां जेल में बंद विधानसभा चुनाव में सदर सीट से प्रत्याशी रहे आरपी यादव से मिलने वाले थे और प्रशासन ने आरपी यादव को एक दिन पहले ही सुल्तानपुर जेल शिफ्ट कर दिया। शिवपाल यादव ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा कि हमने दो दिन पहले ही जिलाधिकारी और जेल अधीक्षक को सूचना दी थी, उसके बावजूद उन्हें सुल्तानपुर जेल शिफ्ट कर दिया गया। शिवपाल यादव ने कहा कि अधिकारी बेईमानी पर उतारू है और इन लोगों आरपी यादव को सुल्तानपुर जेल शिफ्ट कर दिया गया है और मेरे चिट्ठी भेजे जाने के बावजूद ना तो उसका जवाब दिया गया और ना ही फोन पर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें मिलना ही होगा और सुल्तानपुर जेल में भी मिलेंगे, लेकिन अधिकारियों का ये रवैया ठीक नहीं है। और इस दौरान ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि इस पहले भी हुई है और भाजपा बताए कि कौन सी फैक्ट्री लग गई है। उन्होंने कहा कि भाजपा केवल जनता को बेवकूफ बना रही है और विपक्ष को बर्बाद करने में लगी हुई है। शिवपाल ने कहा कि हम लोग भी सत्ता में रहे हैं और विपक्ष का सम्मान करते थे, लेकिन भाजपा केवल झूठे मुकदमे लगा रही है। अच्छे शूद्र क्यों कहना पड़ा? अगर कहीं पर पूजा स्थल पर या धार्मिक कार्यक्रम में जाते तो काले झंडे दिखेंगे, काले झंडे दिखाएंगे। अगर काले झंडे दिखाएंगे तो समाजवादियों का क्या पता नहीं? अगर समाजवादी जब काले झंडे तो ये सरकार के मंत्री पर कहीं नहीं घुस पाएंगे। तो सुबह आप तरीके की परंपरा मत डालिए, आपका भी सहयोग होना चाहिए, आप भी विपक्ष के इस तरह से हैं। सर, अखिलेश जी हर चुनाव में नया प्रयोग करते देखे जाते हैं, क्या 2024 के लिए इसे अखिलेश का नया अगला प्रयोग माना जाए? देखिए, हम लोग संगठन में इसलिए बने हैं, हम भी संगठन में हैं और हमारा सीधा मिशन है अपने समाजवादी पार्टी के संगठन को मजबूत करेंगे और हम लोगों को सत्ता में रहना है। कितनी सीटें होंगी लोकसभा चुनाव में? हम 80 सीटें लड़ाएंगे। जीतेंगे कितनी? आप जितनी चाहो उतनी जीत जाएंगे। जीतेंगे आप जीतेंगे जो भारतीय जनता पार्टी सरकार न बना पाए, हम लोग मिलकर के सरकार बना। चले रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अमूमन किसी भी शादी में बेटी को विदा करते समय माँ बाप और उनके नाते रिश्तेदार रो पड़ते हैं, लेकिन रायबरेली जिले की एक शादी चर्चा का विषय बन गई है, जहां एक दुल्हन को लेने दूल्हा हेलीकॉप्टर से पहुंचा तो बेटी को विदा करते समय माँ बाप के चेहरे खिल उठे। इलाके भर के लोग इस विदाई को देखने के लिए इकट्ठे हुए। दरअसल ये उनके लिए ये पहला मौका था जब उन्होंने किसी बेटी की विदाई हेलीकॉप्टर से होते देखी। जानकारी के अनुसार दूल्हा बिजनेसमैन है और दुल्हन के पिता नरेश प्रताप सिंह उर्फ श्याम सिंह डलमऊ कोतवाली क्षेत्र के घुरवारा जहाना मऊ गांव में ही पूर्व प्रधान की बेटी शादी पहो गुलरिया में हुई है और विदाई के समय पूर्व प्रधान श्याम सिंह और उनका परिवार काफी खुश दिखाई दिया। दुल्हन का कहना है कि मैं काफी खुश हूं और ऐसी विदाई मेरे लिए बहुत ही खास सरप्राइज है और मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं था। झांसी में उमा भारती ने रामायण पर कहा कि रामायण अंतर्राष्ट्रीय ग्रंथ है। रामायण मॉरिशस में ही राष्ट्रीय ग्रंथ है, जो बताया जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय ग्रंथ है और उसे अंतर्राष्ट्रीय ग्रंथ क्यों बनाना है, उसे राष्ट्रीय ग्रंथ क्यों बनाना है। और उमा भारती ने कस्बा मऊरानीपुर के केदारेश्वर मंदिर को ही गो संरक्षण अदालत लगाई थी। उमा भारती ने अदालत लगाते हुए कहा कि गोवंश की रक्षा करना सरकार की ही नहीं समाज की भी जिम्मेदारी है और हिंदू मुस्लिम सपा बसपा कांग्रेस सबकी जिम्मेदारी है। सबसे बड़ी बात यह है कि गो सुरक्षा अदालत में उन्होंने अपना चोला आज बदल दिया था और आज उनका आधा भगवा रंग गायब था और वो सफेद रंग के खड़ी के कुर्ते में ही नजर आ रही थी। बुंदेलखंड के लिए कुछ इसमें में तो पहले ही वो बहुत दे चुके हैं, मतलब इतना ज्यादा दे चुके हैं, डिफेंस कॉरिडोर, अमृत कलर्स, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, बकेत बेतवा आ रही है, फिर ललितपुर सिंगरौली रेलवे लाइन, वो तो अधिकतर निकल यूपी में से ही निकल रही ना, अभी जो चल रही है ललितपुर में से निकलती है, तो इसलिए बहुत कुछ दे चुके हैं। अब आगे भी जो उत्तर प्रदेश के लिए वो उसमें कुछ होगा, महत्वपूर्ण दिन है आज सब उत्तर प्रदेश के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि योगी एक संत हैं और एक संत की इतनी अच्छी अप्रोच हो गई डेवलपमेंट पर, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब कम से कम दुनिया के लोग समझ गए कि केसरिया वस्त्र वाले लोग खाली राम का नाम जपना नहीं जानते, डेवलपमेंट करना जानते हैं। अब बंद कर लो तुम्हारा।
लखनऊ समेत कई जगह हो रहे इन्वेस्टर समिट का लाइव प्रसारण किया जा रहा है। उद्यमियों को निवेश के लिए उत्साहित करने के लिए देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने संबोधित किया है। बदायूं में बदायूं क्लब में ही इसका सीधा प्रसारण दिखाया गया और इसके लिए व्यापार तैयारियां भी की गई थी। मंच पर डीएम मनोज कुमार और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओपी सिंह सहित तमाम अधिकारी मौजूद रहे और इस सदर विधायक सहित तमाम बीजेपी नेता भी मौजूद रहे। देखिए, ये जनपद स्तरीय इन्वेस्टर मीट थी और जैसा शासन के निर्देश थे कि लखनऊ में जो कार्यक्रम हो रहा है उसका सीधा प्रसारण हम लोगों को यहाँ के निवेशकों को और यहाँ के जो छात्र छात्राएं हैं उनको यहाँ दिखाना था। उसके क्रम में जनपद स्तरीय इन्वेस्टर मीट का ये आयोजन यहाँ पर बदायूं क्लब के ग्राउंड पर किया गया है। जहाँ तक लक्ष्य का प्रश्न है, हम लोगों को इनिशियली 250 करोड़ का लक्ष्य दिया गया था जिसमें बाद में बढ़ाकर इसको 1000 करोड़ किया गया था और इसके बाद ये निर्देश प्राप्त हुए थे कि अधिकतम जितना संभव है उस लक्ष्य को प्राप्त किया जाए। तो इसके क्रम में यहाँ 3241 करोड़ के MOUs जो है वो पोर्टल पे आ गए हैं, वो साइन हुए हैं। इसमें लगभग 6251 रोजगार के अवसर युवा हमारे जो युवा हैं उनको प्राप्त होंगे। हमारा प्रयास है कि अभी चूंकि दो दिन का वक्त हमारे पास और है समापन से पूर्व, इस लक्ष्य को हम लोग 5000 करोड़ तक ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ और लोगों ने हमें इसमें रुचि दिखाई है, उस अवसर का भी हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं। सर, क्या क्या सुविधाएं जो इन्वेस्टर आए हैं उनके द्वारा और जिला प्रशासन के द्वारा उनको दी जाएगी? मुख्य रूप से जिन क्षेत्रों में लोगों ने आवेदन किया है, फूड प्रोसेसिंग है, रियल एस्टेट है, इसमें बहुत सारे आवेदन उनके इस प्रकार के होते हैं जिसमें कंप्लाइंसेज होती है। विभिन्न विभागों से उनको NOC प्राप्त करना होता है, कहीं से अनुमति प्राप्त करनी होती है, बहुत सारे डिक्लेरेशन जैसे भूमि के संबंध में होते हैं। तो पोर्टल पर जितने भी आवेदन आए हैं उनकी सारी अनापत्तियाँ स्वीकृतियाँ हम लोगों ने तत्काल उनको देने का प्रयास किया है और आपने देखा होगा कि उन्होंने जो अपना उद्बोधन दिया है इसमें उसका संकेत भी किया है हम लोगों ने। कुछ एग्जीबिशन के माध्यम से भी जो है लोगों को जागरूक किया गया है? हाँ, यहाँ पर हम लोगों ने विभिन्न विभागों के जो तमाम योजनाएं चल रही हैं, चाहे वो ODUP की हो, यहाँ के जो प्रोडक्ट हैं उनके हों, हमारी गौशालाओं से बने हुए पेंट के हैं, वो सारे स्टॉल्स लगाए गए थे। वो जागरूकता का एक प्रयास था कि इन विभागों की योजनाओं का हमारे निवेशक लाभ भी उठाएं और इन क्षेत्रों में अपने निवेश की संभावनाओं को तलाश करें। जिला झांसी के ही तहसील गरोठा से क्षितिज कुमार त्रिवेदी को ही उप जिलाधिकारी मऊरानीपुर के पद पर स्थानांतरण के बाद टहरोली के ही स्थानांतरित होकर आए अतुल कुमार ने ही उप जिलाधिकारी गरोठा का कार्यभार संभालने के पश्चात पत्रकार वार्ता में कहा कि सरकार के मंशानुसार सरकारी योजनाओं का लाभ जन जन पहुंचाना और गौशाला में गोवंश की उचित देखभाल, ग्रामों में लोगों को रोजगार मुहैया कराना और क्षेत्र में ही पेयजल व्यवस्था सुचारू रूप से रखना और जन कारण निराकरण करण करना भी हमारी प्राथमिकता होगी और क्षेत्र में अवैध तरीके से खनन के बारे में सवाल करने पर उप जिलाधिकारी अतुल कुमार ने कहा कि किसी भी प्रकार का अवैध तरीके का खनन या फिर अन्य अवैध कार्य सरकार के निर्देश अनुसार प्रबंधित है और सरकार के मंशानुसार पारदर्शिता और ईमानदारी से क्षेत्र कार्य होगा। अतुल कुमार IPS औरैया जिला के मूल निवासी हैं, 2019 के बैच के PCS हैं और तहसील मोठ और इसके साथ ही तहसील सदर में अपनी सेवा दे रहे हैं। बिजनौर में बीजेपी नेता प्रिंस चौधरी ने सरेंडर कर दिया है। आपको बताते चले कि प्रिंस चौधरी हिट एंड रन के मामले में फरार चल रहा था और जिस पर मेरठ SSP ने 25,000 का इनाम घोषित किया था, वहीं प्रिंस चौधरी ने नगीना में पहुंचकर गुपचुप तरीके से सरेंडर कर दिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।